दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। आपको बता दें, सावन का समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन दाने की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये देखेंगे जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिवजी को मीठा भोग लगाते हैं तथा कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पे स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए आ रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग निकल करके चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरे। अब आपको एक लोटा जल लेना है, एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर लाकर के स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी वो बाधाओं को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और ये उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वो कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। ये मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा। जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं तो, और अगर आपने अपने घर पर ये स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी ही रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको लाकर के अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इनकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है, डमरू खरीद लाइएगा। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए,
अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुआइए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, वो आपका एक बाल भी बाका या आपका बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग दो मोरपंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोरपंख ला करके घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों जो काल सर्प दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज दोष भी बढ़ जाता है, इसलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दुर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से माला माल कर देते हैं, शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है, भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं, आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता। दोस्तों आप जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें, ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं, आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं, आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है।
व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है ऐसा व्यक्ति। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और न ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए
और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए, बेल पूरे साबुत होना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्म कांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांगना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए, मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी। लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बढ़ेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आप में से कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।